नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। डीएम कैसे बने, यह एक प्रश्न जिसके लिए कई सारे सवाल आपके मन में आते हैं। डीएम के पावर क्या होते हैं, डीएम बनने के लिए क्या योग्यता मिनिमम होनी चाहिए, कौन से पेपर की एग्जाम होते हैं, कितने पेपर की एग्जाम होते हैं यानी कि सिलेबस की जानकारी, यूपीएससी बोर्ड के बारे में भी जानना और साथ ही साथ आईएएस आईएफएस आईपीएस, ये सारी जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है यदि आप डीएम बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई ऐसा डाउट नहीं रहेगा। और दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए उस मंजिल का नक्शा पहले से बना लेना चाहिए, जिससे आपकी पथ आसान हो जाती है और आप बहुत ही जल्दी डायरेक्ट आप उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज के इस वीडियो का मकसद भी वही है। बहुत लोग मन में डीएम बनने के बारे में सोचते हैं, तो पूरी नॉलेज आज के इस वीडियो में हम देंगे। बस इत्मीनान से आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है, कुछ ऐसी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सामने आती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न, डीएम का क्या पावर होता है, ये जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको ये जो इमेज है ये आपको सारी बातें बयां कर रही है। ये जो केंद्र है, केंद्र लेवल ही ये डीएम होते हैं। एक नेता की तस्वीर दिखाई गई है एमपी की और एक डीएम की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, दोनों ही केंद्र के अंडर आते हैं। फ़र्क बस इतना है कि ये नीचे से ऊपर जाते हैं और ये ऊपर से नीचे आते हैं। आइए इसको आसानी से देखते हैं। दोस्तों, पावर की बात कर ले तो इन दोनों का ही पावर एक जिला लेवल सबसे उच्च पावर होता है। कहने का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी, जिसे सांसद बोलते हैं, ये भी आपके लगभग जिला लेवल से ही इन्हें चुने जाते हैं और यहाँ पे ये भी जो अधिकारी होते हैं आपके जिला के सबसे उच्च अधिकारी होते हैं। लेकिन अब आपको ये स्पष्ट कर दे कि इनमें अंतर क्या हो जाता है। दोस्तों, एमपी जो होते हैं ये आपके गाँव के आपके जिला के ही आदमी होते हैं, यानी कि एक निचले स्तर से चुने जाते हैं जनता के द्वारा लोकतंत्र पावर के अनुसार, और उसके बाद में ये चुनकर ऊपर चले जाते हैं ये केंद्र में। परंतु डीएम जो है केंद्र के द्वारा चुनकर ये नीचे आते हैं जिला में। एमपी जनता द्वारा चुनकर केंद्र में जाते हैं और ये विधायिका होते हैं और विधायिका ही कानून बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है, सारे विधायिका एक साथ मिलकर नियम और कानून बनाते हैं कि देश के लिए क्या जरूरी है, कैसे देश को चलना चाहिए, और उस नियम और कानून का पालन कार्यपालिका लोग करते हैं। तो डीएम एक कार्यपालिका हो गए, जो कि अब ये लोग तय करते हैं और ये लोग भेजते हैं अलग अलग जिले में प्रमुख बनाकर डीएम को, जो कि एक जिला के सबसे प्रमुख सिविल सर्विस डीएम होते हैं, जो कि बनाए गए कानून का पालन करते हैं और लोगों में के अंदर डिसिप्लिन से सुचारू ढंग से वो अपने कार्यरत क्षेत्र जिला को चलाते हैं। एक और भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि इनकी सैलरी क्या होती है। तो दोस्तों, डीएम एक वरिष्ठ पद है आपके जिला की, और इसलिए इनकी सैलरी लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। साथ ही साथ इनको कुछ अन्य सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि इनको सरकारी बंगला मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलता है, सरकारी सुरक्षा गार्ड मिलते हैं, फ़ोन मिलते हैं, इत्यादि जैसी सुविधाएँ एक डीएम को प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, डीएम के पावर और सैलरी समझने के बाद अब हम चलते हैं डीएम बनने की तरफ, उस मार्ग पे, उस मार्ग को देखते हैं कि कौन से मार्ग से होके हमें डीएम बनना होता है। दोस्तों, डीएम बनने के लिए तो आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ। अब ये ग्रेजुएशन आप किसी भी विषय से किए हों कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट से MCA BBA BCA डॉक्टर मेडिकल कोई भी कोर्स आप एक ग्रेजुएशन के समकक्ष यदि किए हैं या फिर उससे अधिक किए हैं तो आप डीएम बन सकते हैं। आपकी उम्र सीमा कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 32 वर्ष होना चाहिए। अब डीएम बनने के लिए आपको कौन से फॉर्म भरने होते हैं, तो बस अब आप ये नाम सुने होंगे यूपीएसई, जिसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग। इसकी फॉर्म प्रत्येक साल के फरवरी और मार्च के महीने में आती है। इस फॉर्म को भरने के बाद आप डीएम बन सकते हैं, लेकिन कैसे बन सकते हैं इसको भी देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको उस तरफ ले चलते हैं, बस आपको हमारे साथ अंत तक रहना है। यहाँ पे आपको वो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाएगी जो कि आपको फिर से जानकारी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जैसे कि यूपीएससी का फॉर्म आप भरते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अब ये जो है ये मुख्यतः इन रैंकों का एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी, आईएएस आईपीएस और फिर आईएफएस, जिसका मीनिंग यदि समझे तो आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस। अब यहाँ पे आप डीएम बनते हैं, डीएम एसडीएम ये सब पद आपको आईएएस में मिलता है।
इनमें से यूपीएससी के एक अधिकतम रैंक वाले लोग आईएएस अधिकारी बनते हैं। आप फॉर्म भरते समय इन रैंकों का क्रम भी कर सकते हैं। आप फर्स्ट में आईपीएस भी डाल सकते हैं। यदि आपकी च्वाइस है, अधिक रैंक होने पे भी आप चाहते हैं कि आप पुलिस सर्विस में ही जाए, तो आप आईपीएस डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिविल सर्विस जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होते हैं, जितने भी पद होते हैं डीएम एसडीएम जैसे पद, वो सारे आपको आईएएस के अंदर आते हैं। और जितने पुलिस जैसे पद होते हैं, जैसे आपको डीआईजी हो गए, आईपीएस हो गए, आईपीएस में एसपी हो गए, डीएसपी हो गए, यानी जितने पुलिस वाले क्रमागत पद हैं वो सब आईपीएस में होते हैं। आईपीएस क्वालिफाई के बाद उनको कोई फर्स्ट रैंक के अनुसार मिल जाती है, फिर उसके बाद प्रमोशन होते होते वो पुलिस क्षेत्र में ही आगे तक बढ़ते रहते हैं। अब उसके बाद एक होता है आईएफएस, यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, इंडियन फॉरेन सर्विस। जी हाँ, आपको जैसे राजदूत हो गए, यानी कि एक विदेश लेवल पे भी जो काम करते हैं वो आईएफएस के अधिकारी होते हैं। तो ऐसे में यूपीएससी अपने देश के सबसे टॉप अधिकारी का एग्जाम कंडक्ट कराती है, सबसे टॉप अधिकारी बनाती है यूपीएससी। ये आप समझ गए, इसलिए हर एक कोई का सपना होता है यूपीएससी, लेकिन बचपन से ज़्यादा लोग डीएम डीएम बनना चाहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि डीएम कैसे बना जाता है। आगे चलिए पूरी बात देखते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है मुख्यतः तीन स्टेज में होता है। सबसे पहले तो प्रीलिम्स की एग्जाम आपको क्वालिफाइड करना होता है, जो कि आपको पेपर वन और पेपर टू, दो दो 100 मार्क्स के होते हैं, और पेपर टू आपके सी सेट होते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई के बाद आप मेंस में ही अपियर हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। अब मेंस में आपका ये सब क्रमागत आप देख सकते हैं, कुल 7 पेपर का एग्जाम देने होते हैं। पेपर वन आपके ऐसे होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं। पेपर टू जनरल स्टडी होते हैं और वो भी 250 मार्क्स के होते हैं। पेपर थ्री भी जनरल स्टडी 250 मार्क्स, पेपर फोर भी जनरल स्टडी 250 मार्क्स, यानी एक जनरल स्टडी का 4 पेपर केवल जीएस का होते हैं, 1-2 से लेकर 5 पेपर तक आपके जीएस होते हैं, ये 250-250 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाइए आपकी रणनीति वाली पेपर, जी हाँ, 6 और 7 ये आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं, जो कि 250-250 मार्क्स के होते हैं। ये कुल 500 मार्क्स के होते हैं। ऑप्शनल बोले तो आप अपने मन से, ये आपके इच्छा के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं ऑप्शनल में, और यही सब्जेक्ट आपको हीरो बनाता है यूपीएससी का, यानी कि आप यूपीएससी के एक अधिक रैंक गेन करना यही डिपेंड करता है। दोस्तों, यहाँ पे एक रणनीति की बात कर ले तो इंटरमीडिएट से ही आपको किसी एक सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा लगाव लेना चाहिए और उस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन में आप प्रवेश करते हैं तो उसी सब्जेक्ट से कोशिश करें, आप ऑनर्स करें जो आपको काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि ऑनर्स का सिलेबस के साथ साथ आप उस सब्जेक्ट पे काफी पकड़ बना लेंगे। ऐसे में जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो आप क्या करेंगे, उसी जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं, जिसमें आपकी ज्यादा रुचि है, बस उसी को आप ऑप्शनल में ले लेंगे, और आपका ये 500 नंबर है ना, एकदम से पहले से कंप्लीट रेडी हो चुका रहता है। बस आपको तैयारी तो करना होता है, इन्हीं 750 नंबर, इसी में तैयारी करके आप आसानी से बन सकते हैं डीएम। तो दोस्तों, ये एक रणनीति वाली बात हो गई। क्यों लोग कहते हैं कि इंटर ग्रेजुएशन से ही तैयारी करना, इसी मकसद से आपकी जो ऑप्शनल वाली पेपर है, इसी मकसद से आपको पहले से ही तैयार किया जाता है कि कम से कम आपको 500 नंबर ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर लेना है। बस आपको यही 500 की तैयारी करना है ग्रेजुएशन तक। इन सब को छोड़ दीजिए, अभी ये बाद में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये 500 कम से कम आप ऐसा तैयार कर लीजिए कि ग्रेजुएट होते होते आपका 500 कंप्लीट हो चुका होता है। तो जैसा कि आप देख लिए, प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद सिविल सर्विस मेंस एग्जाम देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू का एग्जाम होता है, और आपकी मेरिट जो है इसी मेंस और इंटरव्यू बेस्ड पे बनती है। अंततः आप यहाँ पे देख सकते हैं 1750 आपकी रिटन टेस्ट हो जाती है, 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, कुल टोटल 2025 मार्क्स होते हैं, और फिर इस मार्क्स के आधार पे आपकी रैंकिंग होती है, रैंक कितना रैंक आपका आया यूपीएससी में, और उस रैंक आधार पे आपको आपका पोस्ट मिलते हैं। दोस्तों, आप यदि चाहते हैं कि ये सारी चीज आपको रिटेन में भी मिल जाए, तो आपको इंटरनेट पे www.jobsbihar.in, ध्यान रहे .in पे ही आपको विजिट करना है। वहाँ पे सरकारी कैरियर वाले सेक्शन में आपको ये पोस्ट मिल जाएंगे। वैसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं उसके बारे में। कुछ और भी लिंक वहाँ पे प्रोवाइड है जो कि आपके यूपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये छोटा सा वीडियो आपको एक विशेष जानकारी दिया होगा, आपके मन के जो प्रश्न डीएम कैसे बने वो जानकारी आज के इस वीडियो में मिल गई होगी, और इंतजार है आपके कमेंट का कि आप और क्या चाहते हैं। वो कमेंट में आप अपने डिस्ट्रिक्ट के के साथ जरूर कमेंट करें, जिससे हमें भी आइडिया हो जाए कि आपको कैसी वीडियो की आवश्यकता है। तो विदा लेते हैं फिलहाल, इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।